वेलकम स्टार इन्फोटेक के सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रवीण और आज का टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट सेंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक यूजिंग PHP। तो आज का ये सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है, आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, हम सभी देखते हैं कि जो भी ऑनलाइन जो जहाँ पर भी ईमेल वेरिफिकेशन होता है, तो ईमेल वेरिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वहाँ पे यूज़र का ईमेल आईडी वेरीफाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक डेमो लिंक के थ्रू आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे ईमेल वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये मेरा एक ऑनलाइन स्टोर का एक ऐप है। तो उस ऐप के थ्रू जब भी यूज़र कोई जो ऑनलाइन प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस करना चाहता है, तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे मैं वेरीफाई करने वाला हूँ। तो मैंने एक कोड इम्प्लीमेंट किया है, तो ये एक डेमो के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे ईमेल वेरीफाई यहाँ पे किया जाता है। तो फर्स्ट पेज पे जब भी यूज़र जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेज पे, यहाँ पे मैंने यूज़र के थ्रू यहाँ पे लॉगिन पे यहाँ पे यूज़र का नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे मैं यूज़र से एंटर करके यहाँ पे जो भी यूज़र ने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर किया है, तो इस ईमेल आईडी पे मैं वहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड वहाँ पे मैं सेंड करने वाला हूँ। तो ईमेल वेरिफिकेशन सेंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये रजिस्ट्रेशन पेज रिक्वायर्ड है। तो रजिस्ट्रेशन पेज का जो भी वैल्यूज है, तो वैल्यू मैं पहले डेटाबेस में यहाँ पे एंटर कर दूंगा, उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन का कोड यहाँ पे जनरेट करके यूज़र के जो भी ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी पे सेंड करूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़र ने जब भी यूज़र रजिस्ट्रेशन करता है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे लॉगिन और पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हुआ है बट ईमेल वेरिफिकेशन कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यूज़र की ईमेल आईडी पे यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। तो इसके लिंक के थ्रू जो भी यूज़र है, तो वो अपना जो ईमेल आईडी वो वेरीफाई कर सकता है। तो वेरिफिकेशन में यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे मैंने दे दिया। तो यहाँ पे क्लिक ईयर, जब भी यूज़र क्लिक ईयर पर क्लिक करता है, तो रिडायरेक्ट हो जाता है कि जो भी मेरा ऑनलाइन प्रोजेक्ट का जो भी लिंक है वहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वहाँ पे वो रिडायरेक्ट हो जाता है और वहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाता है। तो एक्टिवेशन के बाद यहाँ पे देखिए कि क्लिक हियर फॉर लॉगिन, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लॉगिन का जो भी पेज है उसका पेज यहाँ पे मतलब दे दिया है। तो ईमेल वेरिफिकेशन के बाद जब भी यूज़र लॉगिन के लिए यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता है, तो यहाँ पे यूज़र को डायरेक्टली उसका जो भी डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड में यहाँ पे यूज़र एंटर हो सकता है। बट यहाँ पे अगर यूज़र ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया या फिर कोई रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है जो डेमो दिखाया था उसके थ्रू। तो यूज़र यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में यहाँ पे रिट्राइक हो चुका है, और यूज़र ने सेम जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो वही प्रोडक्ट यूज़र के यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो जब भी यूज़र यहाँ पे बटन पे यहाँ पे क्लिक करता है, तो उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का जो भी आपका ऑप्शन आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो सकता है। तो इनेबल होने के बाद यहाँ पे यूज़र यहाँ पे जो भी अकॉर्डिंग टू जो भी ऑनलाइन पेमेंट का जो भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके यूज़र जो प्रोडक्ट यूज़र ने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो उसका पेमेंट यहाँ पे कर सकता है। तो डेबिट कार्ड के यहाँ पे मैंने ऑप्शन यहाँ पे डेमो के लिए यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे यूज़र को यहाँ पे देखिए कि उसका जो भी ऑनलाइन पेमेंट का डिटेल है, तो ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड यूज़र के मोबाइल पे यहाँ पे सेंड कर दिया जाता, तो पासवर्ड यहाँ पे यूज़र को एंटर करना है, और सबमिट करने के बाद जो भी अमाउंट डिडक्ट हुए, तो यहाँ पे यूज़र को एक इंटीमेशन मैसेज भी यहाँ पे मिल जाता है कि आपका जो भी ऑनलाइन पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट आईडी यूज़र को मिल जाता है और यूज़र को यहाँ पे मिल सकता है।